फिर मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही आता है कॉन्फिडेंस, कि भले ही उसको कितने भी लोग ये बोले कि नो अपना वेट लूज कर या इतना मत खा, बट सलोनी जो है वो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करेगी और सबको अपने क्यूटनेस और अपने चार्म से अपना बना लेगी. और क्या कहते हैं, पतली वजह से ये भी आता है कि लोग मजाक बनाते हैं, बुली करते हैं, तो उससे भी डिप्रेस नहीं होना, खुश रहना और कॉन्फिडेंट रहना. हाँ, मैंने सुना गाना, मैंने देखा और सलोनी बहुत क्यूट लग रही है और काफ़ी कैची सॉन्ग. सबसे अच्छी बात उन्होंने गाया भी इतना अच्छा है, बहुत अच्छा गाया है. हाँ, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है और बहुत फन और फनी एंटरटेनिंग है और सबसे बेस्ट बात बहुत यूनिक है. काफ़ी मतलब इट्स नॉट योर क्लीशे यू नो रोमांटिक जैसे म्यूजिक वीडियोस बनते हैं आजकल, तो काफ़ी इंस्पायरिंग है ये वीडियो. और ऑब्वियसली आशिका और भावेश की गेस्ट अपीयरेंस ने इसको और बेटर बना दिया है. ग्रेट वर्क सलोनी. बॉडी शेमिंग, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. वैसा मेरी मॉम ने मुझे हमेशा सिखाया है, आप लंबे हो, पतले हो, छोटे हो, कैसे भी हो, लोग आपको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, बट हमें हमारा सेल्फ एस्टीम और अपना कॉन्फिडेंस एक अलग वे में मेंटेन करना चाहिए. सो बस वही है, और हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. मतलब वही लोगों का काम है कहना, तो वो कहते रहेंगे. पता मैं इतना लेट आई, सारी फ्रेंड्स चली जाएंगी मेरी, सो जस्ट क्विकली कब हुई वो मुझे. किसका? सलोनी. एज अ रैपर, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी न्यू फैक्टर जो उसने किया है, क्योंकि हम यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते कि जिसका डेब्यू है वो गाना तो गा रहा है और उसमें रैप भी कर रहा है. और वो इतनी अच्छी एक्टर है, इतनी अच्छी कॉमेडियन है, इतना हंसाती है लोगों को, और उसका ये नया रूप लोगों को देखने मिल रहा है. सो आई होप कि वो बहुत सक्सेसफुल हो इसमें भी, जितना कि वो अपनी दूसरी फील्ड में है. सो आई जस्ट लाइक टू विश ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई लव द सॉन्ग एंड द कॉन्सेप्ट एंड द थॉट बिहाइंड द सॉन्ग. Which makes me very very happy, and you know this is such a mature thinking और ऐसा opinion कि आप अपना पहला गाना निकाल रहे हो और उसमें ही इतना strong message भी आप spread करना चाह रहे हो. And of course she is very confident, and I think everybody should be अपनी अपने body में, अपने skin में, and I am very happy that पहले ही song में उसने ये message लोगों तक spread करने का try किया है. And I hope लोगों को ये पसंद आएगा और लोग इसको support करेंगे. आप बताइए आपको कैसा लगा सॉन्ग, थोड़ा आप बताइए. फाइनली किसी ने कुछ पूछा. मैंने अभी
अभी तक कि मैंने सॉन्ग देखा तो नहीं है अभी, बट अभी जब मैं देखूंगा तो मुझे इतना तो भरोसा है कि सलोनी दी ने बहुत अच्छा गाया होगा. सो बिकॉज हम लोगों ने पहले भी सुना है सलोनी का पहले भी गाना हमने सुना है कि वो अच्छा गाना गाती है. हम लोग जब ये आते हैं जो कुछ भी खेलते हैं डेयर वेयर में तो हम लोगों ने सुना है जैसे वो गाती है. सो उसके हिसाब से जैसे मुझे लगता है कि और टाइटल भी जो है पतली हो जा, सो बहुत मोटिवेटिव होगा वो सॉन्ग, तो लगता है बहुत अच्छा होगा और होगा भी ज़रूर. कॉमेंट्स बट आई रीड देम वेरी रेयरली व्हेन आई फील लाइक. और क्या होता है ना, अब जो इंस्टा का फीचर है यू गेट टू सी टॉप कॉमेंट्स, तो जो टॉप कॉमेंट्स में जिनको सबसे ज़्यादा लाइक मिलते हैं, और लाइक किसको मिलते हैं, अच्छे कॉमेंट्स को मिलते हैं, तो जो बुरे कॉमेंट्स होते हैं वो नीचे होते हैं जिन पर मेरी नज़र जाती नहीं है. सो आई डोंट हैव टू डील विद दैट. और टच वुड मुझे इतने कोई ऐसे ट्रोल इतना होती नहीं हूँ मैं. टच वुड थैंक यू गाइज, आई लव यू ऑल सो मच. तो इसीलिए मुझे ज़्यादा तो ऐसी कोई चीज़ से गुजरना नहीं पड़ता है. और मैं खुद भी ध्यान रखती हूँ कि मेरे जो फैंस देखना चाहते हैं, मुझे जिस तरह देखना चाहते हैं, मैं उससे रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करूं जो उनको पसंद आए, ना कि कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके पोस्ट कर दूं जिससे उनको कुछ ऐसा लिखना पड़े या हेटर्स को और ज़्यादा कुछ ऐसा मिल जाए लिखने के लिए. सो खुद भी ध्यान देना पड़ता है. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो टाइटल वो समथिंग वेरी ह्यूज फॉर मी, इंटरनेशनल स्टाइल आइकन. और अभी तक के मैं ऐसी कोई कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं हुई थी स्टाइल वाली कैटेगरी में, हमेशा से एक्टिंग के लिए या फिर यू नो सोशल मीडिया से रिलेटेड, यू नो बीइंग अ सेंसेशन और द फेस ऑफ इंडिया. बट ऐसी कैटेगरी में मैं पहली बार नॉमिनेट हुई थी एंड टू विन दिस अवार्ड ऑल्सो इट मीन्स अ लॉट एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. एंड ऑफकोर्स इट फील्स रियली नाइस, यू नो जब कोई इतना अप्रिशिएट करता है इस लेवल पर जाकर हर चीज़ को, एक्टिंग को और हर फील्ड में, अब स्टाइलिंग में भी. So of course it did motivate me ke okay now I style even better and I won't do those 11th hour wale touch ups in my outfits. In fact jo gown mein us din bhi pehen ke gayi thi wo mera 11th hour wala tha, mamma ne phatak se nikala tha ki jo pehenna tha wo kuch ajeeb hi tha. So yeah, yeah it's about to hit 50 million. हाँ जी, songs आने वाले हैं जिनका मैंने update अभी तक के डाला नहीं है, बट मैं जैसे ही डालूंगी आप लोग को तो पता चल ही जाएगा. आपको हर चीज़ पता चली जाती है. सो या मैं खुद को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं अपने फैंस को ही थैंक करना चाहूँगी बिकॉज जो कुछ भी है उनके ही वजह से, उनके वजह से ही व्यूज़ आ रहे हैं, उनके वजह से ही सपोर्ट मिल रहा है, उनके वजह से ही प्यार मिल रहा है, उनके वजह से ही हम हैं. तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम उनको एक चीज़ रेडी करके देते हैं और बाकी तो सब उन पे छोड़ दिया जाता है, ऊपर वाले पे कि प्लीज़ इसको अच्छे से चल जाए, बस ये प्रे करते हैं और बाकी वो चल जाता है. तो या द क्रेडिट गोज टू देम ऑफ कोर्स. मैंने ये पहले भी कहा है, मुझे जब भी इंटरव्यू ने पूछा है कि सबसे मेरी फेवरेट टेलीविजन एक्ट्रेस कौन है, सो आई ऑलवेज सेड इट्स जेनिफर विंगेट एंड श्रद्धा आर्या बिकॉज आई लव देयर एक्टिंग. एंड बेहद वन को मैंने फॉलो किया था क्योंकि मुझे उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फियर्स और बहुत ही अलग लगा था. तो हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. कैमियो करूँ आप लोग, बाप रे मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए कि आई नो पीपल यू नो माई फैन मिस करते हैं रोज़ देखना बिकॉज उनको आदत थी रोज़ रोज़ देखने की, आधा घंटा तो आई जाती थी मैं टीवी पर और अब एक साल से नहीं देख पा रहे हैं. बट आई जस्ट से कि थोड़ा सा पेशेंस रखे और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है लेकिन बाकी चीज़ों में मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ, तो इस वजह से नई नई चीज़ें करने की सोच रही हूँ. आई होप आपको पसंद आए और भी जितने अपडेट्स हैं मैं देती रहूँगी. सो आई विल ट्राई एंड मेक यू गाइज हैप्पी एंड प्राउड. सो या थैंक यू. अरे यार मेरे को ना सच्ची बोलो भूख लग रही है. Thank you.
थोड़ा प्लैंक टीप कीजिए, प्लैंक टीप सब लोग कीजिए, सब लोग कीजिए। हां हां, कैन यू डू वन मोर टाइम? वन मोर टाइम। हां वेल इन द सॉन्ग, क्या कहना चाहेंगे?
I wasn't surprised because I know that Saloni is an amazing singer and bahut times she was planning to do something. I'm really happy that wo collaboration Meet Bros ke sath hua. So congratulations to Meet Bros and congratulations to Saloni. You are lovely just the way you are and you always make everybody smile. Itna hasati hai, bahut funny hai. And thank you for always being my friend. She's really close to me and bahut meri khaas hai. So I'm really happy for her. काफ़ी अच्छा मैसेज भी लेके आए हैं. मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने बॉडी शेमिंग के ऊपर कोई सॉन्ग बनाया है. राइट. तो विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट जिसने भी यू नो ये थॉट आई गेस आंटी ने लिखा है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि ये थॉट बाहर आया एंड द वे शी एक्सप्रेस्ड इट विद दिस सॉन्ग इज समथिंग एल्स ओनली. और इतने डिफरेंट वे में जो इसने एक्सप्रेस किया. और अभी मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब लोग जाके जितना हो सके शेयर करें एंड इट रीचेज एज मेनी पीपल ताकि ये जो बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट है जो ये सब यू नो लेटिंग पीपल डाउन एंड फीलिंग यू नो अनकम्फर्टेबल इन देयर ओन बॉडी ये ख़त्म हो. सो कंग्रेचुलेशन सलोनी अगर तुम थोड़ी भी लड़कियों को इतना इंस्पायर कर पाए. अच्छा आपने आपने पर्सनली कभी ऐसा फेस किया है बॉडी शेमिंग को लेकर लाइक सोशल मीडिया में? आई डिडंट फेस बॉडी शेमिंग का बट आई ऑलवेज कुछ ना कुछ फन मतलब होता ही रहता है कुछ ना कुछ तो इट इज़ ऑलवेज देयर. बट देन इट्स जस्ट दैट कि यू सी इट यू शुडंट फील इट. आई वुड से आप इग्नोर करके जस्ट लुक अनदर वे एंड जस्ट गो मूव ऑन विद योर लाइफ. एंड मुझे एक्ने के लिए यू नो हुआ था बिकॉज आई एम अ टीनेजर ऑब्वियसली आई एम 18 नाउ एंड मुझे आई यूज टू गेट एक्ने आउटब्रेक्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो कहीं ना कहीं एक फोटो था जहाँ पे किसी ने लिखा कि अरे अपनी था इज गॉड सच ये वो बैड स्किन एंड ऑल. लाइक ब्रो कम ऑन आई एम अ टीनेजर एंड दैट्स ऑल राइट टू हैव एक्ने एंड यू वर्क सो मच. आपको नींद नहीं मिलती है आपको खाना नहीं मिलता है कभी कभी. यू आर एन एक्टर यू स्टडी सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल. सो आई वुड जस्ट से कि किसी को भी अगर ऐसा कोई फेस हो रहा है प्रॉब्लम सो जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट लव योर सेल्फ. अपार्ट फ्रॉम सलोनी इवन भावेश एंड आशिका ने या मतलब स्पेशल एक्सपीरियंस किया हुआ है क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? भावेश सुपर सुपर एनर्जेटिक पैकेट धमाका है फुल ऑन. आशिका इज़ अ स्वीट हार्ट उसके एक्सप्रेशन मुझे बहुत पसंद है. सो आई एम रियली हैप्पी कि ये लोग कोलैबोरेट कर पाए इस गाने को लेके एंड कोलैबोरेशन हमेशा अच्छी होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे गॉट बी अ यू नो दे केम इन दिस सॉन्ग एंड मेड इट इवन मोर स्पेशल. So congratulations to all three of them and congratulations to the complete team of Patli Ho Ja Patli Ho Ja. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.